सो वेलकम एवरीवन इन द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। और जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ दिन पहले बताया था कि मेरी पैरट फिशेस ने पेयर बना लिया है और ये सबसे एग्रेसिव हो चुके हैं, मतलब सबसे फाइट कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये एग ले कर दे, ठीक है। सो आज के दिन मैंने देखा कि मेरे पैरट फिश ने एग ले कर दिए हैं, काफ़ी सारे एग्स हैं और वो मटकी के अंदर है। रुको मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, मैंने एक जुगाड़ लगाया है जो ये है। हाँ देख सकते हो कितना सारा एग्स आपको देखने मिलेगा, अराउंड 200 से 500 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। सो ये था मेरा पैरेट फिश जो कि दोनों ने मिलके एग्स ले कर दिए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जो कि जो मेरा छोटा वाला है वो है मेल, और जो मेरा रेड वाला जो बड़े साइज वाला है वो है फीमेल। तो फीमेल ने एग्स ले कर दी है, अब मेल का काम है कि अपने फर्म से उसे फर्टिलाइज करना और उनमें से बेबीज को हैच करवाना, ठीक है। सो अभी का समय जो है कि ये 2 से 3 दिन के अंदर एग्स हैच हो जाते हैं, और लकीली बहुत कम लोगों के एग्स हैच होते हैं। तो मैं आपको एक खास ट्रूथ भी बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग, कि पैरेट फिश का जो मेल होता है ना वो हर समय फर्टाइल नहीं होता, और उसके बारे में ऐसा ऐसा मिथ है कि जो बाहर से ये जब इम्पोर्ट होकर आता है तो उनके जो ब्रीडर्स है इसके पेरेंट्स में ऐसा कुछ मेडिसिन दे देते हैं कि ये बिल्कुल इसमें जो मेल होता है वो फर्टाइल नहीं होता, ठीक है। सो मुझे पता नहीं कि मेरा मेल फर्टाइल है या नहीं है। सो ये मुझे 2 या 3 दिन में पता चल जाएगा। अगर ये फर्टाइल है तो इनमें से बेबी निकल जाएंगे, और अगर ये फर्टाइल नहीं है तो ये पैरेट फिशेस सारी एग को खा जाएगी, ठीक है। तो क्लियर कट है कि अगर उसमें से बेबीज नहीं निकलेंगे तो पैरेट फिश खा जाएगी, अगर निकलना होगा तो ये इसमें से बेबीज हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हार्श ट्रूथ है। तो बट हाँ, और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखो जब आप ये एग्स को देख रहे हो, कुछ कुछ देख रहे हो आप, काफ़ी वाइट वाइट है, जो वाइट चमक रहे हैं इसका मतलब वो खराब हो चुके हैं, वो अनहैच्ड है, ठीक है। वो कभी भी हैच नहीं हो सकते, चाहे अगर मेरा मेल फर्टाइल हो या ना हो, ठीक है। और जो अभी भी ब्लैक है, जो एकदम डार्क कलर का आप देख सकते हो, इसका मतलब है उसमें से अभी भी चांस है कि मेल अगर मेरा फर्टाइल रहा सो उसमें से बेबीज हमें देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे देखने मिलेंगे। और जैसे ही मुझे अगर एक दो भी बेबी देखने को मिलता है ना, तो अगली बार से मैं क्या करूंगा कि मटके में जब भी ये अंडे दे देगी तो मैं पूरे मटके को और पैरेट फिशेस को एक अलग कंटेनर या मतलब एक अलग टैंक में शिफ्ट कर दूंगा, जिससे कि बेबीज काफ़ी सुरक्षित रहेंगे और बचे हुए रहेंगे। और देख सकते हो ये काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी है और ये सारे फिश से फाइट कर रही है, ठीक है। चाहे वो ऑस्कर हो, किसी को भी नहीं देख रही, अपने साइज को भी नहीं देख रही, सबसे फाइट कर रही है और सबको मार रही है, ठीक है। सो ये होता है, और ये ही एक बताता है कि आपके पेरेंट्स का आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो आपको हर खतरे से बचा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, अपना साइज वाइज देखे बिना ये सबसे फाइट कर रही है जो भी इनके एग के पास आ रहा है। सो अब देखते हैं अपने लक को आजमाते हुए कि मेरी पैरेट फिशेज में जो मेल है वो फर्टाइल है कि नहीं, और बेबीज हैच होंगे कि नहीं। बट मैं हर चीज़ आपको अपने वीडियोस पे बताता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो मैंने आपको बताया है कुछ दिनों में कि मैं गप्पी फिश का फार्म का सेटअप कर रहा हूँ अपने छत पे, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। सेटअप कंटिन्यू है, अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, और जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा और ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा सो 1-2 दिन के अंदर सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम फिर पानी को सेट करने के लिए रख देंगे, मतलब पानी को साइकिल करने के लिए भी, और उसके बाद हम मछलियाँ लाने जाएंगे, मतलब गप्पी फिश जो कि इंपॉर्टेड गप्पी रहेंगी, और नए नए फिश फार्म की वीडियोज़ भी आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहे। हमने अपनी पहली वीडियो से 10,000 व्यूज को क्रॉस कर लिया है और 200 के लाइक को, और बहुत ही मजा आया। ये बहुत ही अच्छा प्यार आप लोगों की तरफ से मुझे देखने को मिला है, और मैं भी ऐसे ही मेहनत करते हुए वीडियो बनाता रहूंगा, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहो। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं तब तक दूसरी वीडियो में, अभी तब तक के लिए टाटा बाय बाय।